अपने घर में एग्जीबिशन रखा है तो इसका रिस्पांस आपको कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा मिल रहा है, काफ़ी लोग आ रहे हैं। ओके, और कब तक रहेगा ये एग्जीबिशन? ये 18 मार्च तक रहेगा। ओके, और इनका खास करके क्या रोल है? गजानन ने आपको इंस्पायर किया है ये एग्जीबिशन रखने के लिए, इनके बारे में क्या बताएंगे? ये स्टूडेंट हैं, हमको मिले थे। ओके, इनसे पहचान हुआ, इनका काम देखा था हमने स्कूल के जो कॉलेज की जो बुक्स में इनका ड्राइंग था। पीकॉक बनाए हुए थे, बहुत सुंदर लगा। हमने बोला आप हमारे साथ एग्जीबिशन करिए, हम लोग मिल के करते हैं स्टूडेंट के साथ में, कि बुक में चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे सारे ड्राइंग, तो ये सब लोगों के सामने आने चाहिए। तो फिर हमने मिल के एक एग्जीबिशन किया है। पीकॉक बनवायला जास्त आवडतात। ओके, तर मग आज तू काय बनवून दाखवणार आहेस आम्हाला? मी आज एक पीकॉक बनवून दाखवतो पेन्सिल कलरचा, हे मला फेवरेट आवडतं, माझं मीडियम म्हणजे पेन्सिल कलर मला खूप आवडतं, मी ते बनवतो। ओके, तर खास करून ज्याच्या कलेला वाव देण्यासाठी हे एक्झिबिशन भरवण्यात आलंय त्याचं पेंटिंग आपण सुरुवातीला पाहूयात। चला, आणि आता आपण बघूया की गजाननचं पेंटिंग पूर्ण झालंय की नाही। गजानन, पेंटिंग तुझं पूर्ण झालंय? ओके, बघून बघूया। वाव, वेगवेगळे कलर कॉम्बिनेशन्स यूज करून गजाननने एक मोर साकारलाय। गजानन, तुझ्या पेंटिंग बद्दल काय सांगशील? मी माझं पेंटिंग पेन्सिल कलरने केलंय, बेसिक नॉर्मली पेन्सिल कलर आणि हायलाइट पोस्टर कलरने यूज करून कम्प्लीट केलं। ओके, खूप छान, खूप सुंदर। गजानन, तुला तुझ्या करिअरसाठी खूप खूप शुभेच्छा। थँक्यू, खूप सुंदर पेंटिंग बनवलंस। थँक्यू।